हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मैथ्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. यहां पर म्यूटेशन दिया है. ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस. और ये सडन होते हैं, सडनली होंगे, डायरेक्शनलेस होंगे. ये म्यूटेशन के लिए करेक्ट हो जाएगा. फिर दिया है जीन पूल. जीन पूल क्या होता है? जीन पूल बोल रहे हैं ना, ये होते हैं आपके टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन. इसके लिए क्या टर्म आ जाएगा? इन अ पॉपुलेशन इसको आप क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे. ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पॉपुलेशन, इसको जीन पूल कहेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, जीन पूल के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? फोर्थ. ऐसे ले जाते हैं फोर्थ, और यहां लिख भी देते हैं बी के लिए क्या करेक्ट हो जाता है, फोर्थ. फिर दिया है फाउंडर इफेक्ट. ओके, फाउंडर इफेक्ट के लिए क्या होता है? जब कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेट होता है ना फ्रॉम मेन पॉपुलेशन एंड फॉर्म अ न्यू कॉलोनी, तब आप देखते हैं फाउंडर इफेक्ट. ठीक है, फाउंडर इफेक्ट रैंडम होते हैं और यहां पर डायरेक्शनलेस है ये फाउंडर इफेक्ट भी अगर हम देखें. ओके, बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट जो होता है उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है. एक बॉटल के अंदर मल्टीपल वैरायटीज हैं, डिफरेंट कलर बॉल्स मिल रहे हैं, रेड मिल रहे हैं, येलो मिल रहे हैं, ग्रीन मिल रहे हैं, वाइट मिल रहे हैं. येलो भी बना देते हैं यहाँ पर ऐसे. जब आप इसको किसी जार में टिल करेंगे तो यहाँ येलो कलर बॉल आ जाती है और आपकी रेड कलर बॉल आ जाती है. ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर डिफरेंट वैरायटी को दिखा रहा है. यहाँ वैरायटीज आ गई, डिफरेंट वैरायटीज आ गई जब आपने नेक को टिल किया. तो यहाँ जो वैरायटी है, ओके, क्या आप इसको देखकर ओरिजिनल पॉपुलेशन का पता कर पाएंगे कि ओरिजिनली क्या रहा होगा? ठीक है, नहीं ना. यहाँ जो पॉपुलेशन मिलेगी, दो ही वैरायटी आपको मिल रही है, तीसरी और चौथी, वाइट और ग्रीन, तो आपको पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट कर रही होंगी. तो ओरिजिनल पॉपुलेशन को देखकर, जो अभी करंट पॉपुलेशन है उसको देखकर ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या रहा होगा या उनका पहले क्या वैरायटीज मिलती होंगी वो नहीं पता किया जा सकता. ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेट हो गए फ्रॉम मेन पॉपुलेशन और फॉर्म कर लिया न्यू कॉलोनी, और न्यू कॉलोनी को देखकर आप उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं बता पाएंगे. ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में मिलने वाली वैरायटीज हैं और ये जो आपकी न्यू कॉलोनी फॉर्म हुई है वो है. ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट मैच हो जाता है ये. फिर दिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जो चेंज आप देखते हैं ना अलील की फ्रीक्वेंसी में, कोई भी पॉपुलेशन है वहां पर अलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज देख रहे हैं ड्यू टू चांस अलोन, तो वो होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये इसके लिए करेक्ट मैच हो जाता है डी के लिए, 1. चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू चांस अलोन, तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट मैच है. अब देखिए, ए के लिए सेकंड, सब में सेकंड दिया है, इसमें थर्ड दिया, ये इनकरेक्ट हो गया. बी के लिए क्या हो जाता है? फोर्थ. बी के लिए फोर्थ एक में गिवन है, यहाँ थर्ड दे दिया या वन दे दिया. सी के लिए थर्ड और डी के लिए 1. ऑप्शन डी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, बाकी अदर इनकरेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास पर पेज नंबर 120 एंड 121 पर गिवन है.